नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव, आप देख रहे हैं एच एन पी न्यूज और ग्लोबल वॉइस न्यूज। आज हमारे साथ पवन पांडे जी हैं और दिल्ली में एक फैमिली है, बहुजनों की फैमिली है, आनंद फैमिली। उनका आनंद पंथ फाउंडेशन भी है और जो मीना आनंद है वो पहले आम आदमी पार्टी से विधायक भी रही हैं, लेकिन बीच में कुछ बजे रही, उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और फिर स्वराज आज इंडिया में गई, वो उससे भी उन्होंने इस्तीफा दिया और आजकल वो आनंद पंथ फाउंडेशन है उसको देख रहे। सर, क्या इस फैमिली के बारे में आप बहुत करीबी रहे हैं, क्या वजह रही है इतना, आपने क्या क्या देखा उतार चढ़ाव? देखिए, आनंद पथ और जो आनंद फैमिली है, इन लोगों ने गरीबों के लिए हमेशा से काम किया है और एक सामाजिक स्तर पे और काफी, मतलब इन लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया। हम आम आदमी पार्टी में थे जब हमने यहाँ पे काफी संघर्ष किया, उसी दरमियान श्रीमती बीना आनंद जी को टिकट मिला और उनके साथ हम लोग विधायक होते हुए 10 महीने तक जो काम किया इस क्षेत्र में, तो आप अब भी देखिए हम तमाम फेसबुक वगैरह पे डालते रहते हैं और काफ़ी, मतलब 10 महीने में जो यहाँ पे काम किया, यही कारण है कि आज भी आनंद फैमिली से, बीना आनंद से इस क्षेत्र के हजारों लोग जुड़े हुए हैं। आज भी उनसे बहुत उम्मीद लगाते हैं कि वो बीना आनंद जी आए और आनंद फैमिली के साथ हम लोग, हमें एक ऐसी विधायक चाहिए जो क्षेत्र का उद्धार हो सके, क्योंकि हमारे इस वार्ड में ज़्यादातर जो है दलित टाइप के लोग हैं और काफ़ी गरीब लोग हैं और आनंद फैमिली जो है इनके अंदर कभी इस चीज़ का कोई भावना नहीं होती कि मैं एक पूंजीपति आदमी हूँ, मेरे को इनसे थोड़ी सी दूरी। आमतौर पर देखा जाता है कोई दलित भी अगर थोड़ा सा उसके पास धन आ जाए या कोई अच्छा वहदा मिल जाए तो वो अपने अपने ही समाज से कटता है, वो तो खैर हर समाज है। आप जैसे आनंद फैमिली एक दलित परिवार है, ठीक है, एक दलित फैमिली है, आप एक ब्राह्मण फैमिली से है, तो क्या आपके बीच में कोई अंतर भेद या लोगों ने आपको पुछताने की? आप अपनी बहन मानते हैं मीना आनंद जी को, और अभी आपने देखा होगा हम और राजकुमार जी एक ही साथ मतलब बैठे थे खाए थे और कभी भी इस चीज का ना तो कभी हमारे बीच में ये हुआ कि ये, क्या आपके और जो आनंद फैमिली है उसके विचार मिल जाते हैं? हाँ, बिल्कुल मिलते हैं, हर चीज़ के लिए विचार मिलते हैं। ना ही कभी हमने ये देखा कि ये पूंजीपति हैं, ना उनको कभी ये लगा कि ब्राह्मण भी हैं तो गरीब है, हमारे इनके साथ हमारा एक परिवार जैसा मतलब संबंध है और कई दफ़ा क्षेत्र के बारे में जो क्षेत्र की समस्या है हम लोग एक साथ बैठ करके सुलटाने की भी कोशिश करते हैं। अंडरपास के लिए हम प्रेम नगर अंडरपास में 600-700 लोग मर गए और इनके ही सहयोग से हम लोगों ने आज 5-6 साल से लगातार कंटिन्यू हम संघर्ष करते रहे। क्या लग रहा पांडे जी, बीना आनंद जी आप दोबारा से राजनीति में आना चाहेंगे अगर कहीं मौका मिलता है? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, क्षेत्र की जनता अगर आप सर्वे करवाएंगे तो इस क्षेत्र का 90% लोगों का ये मानना है कि बीना आनंद को पुनः आना चाहिए, पार्टी को टिकट देना चाहिए, क्योंकि बीना आनंद जैसी अभी जो भी विधायक रहे वर्तमान में और उसके पहले भी, ऐसी क्या वजह रही जो आम आदमी पार्टी ने इनका टिकट काटा और जो इतनी खटास पैदा हुई? देखिए, कुछ गलत फहमी रही हमारे बीच के जो नेता थे, वो जो फर्श पे हम लोग काम करने वाले थे उसकी रिपोर्ट उन्होंने गलत दिया और उसका खामियाजा भी मिला। जो यहाँ पे उसका चुनाव हुआ पार्षद का, उसमें आम आदमी पार्टी हारी, थोड़ी सी अंतर से हारी। अगर हम सभी लोग साथ होते तो हमारा चारों वार्ड के पार्षद अपने होते, समझिए ना, तो लोगों को एक नाराजगी भी गया कि बीना आनंद का टिकट क्यों काटा गया और हमारे ऊपर जो नेता बैठे थे उनको गुमराह किया गया। बाकी ऐसी बात नहीं थी कि बीना आनंद से या आनंद फाउंडेशन से, खुद जो राजकुमार भैया हैं बहुत व्यक्तिगत बहुत अच्छे आदमी, अच्छे इंसान हैं। क्या अब राजकुमार जी को भी नहीं आना चाहिए राजनीति में? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। अभी वो सोशल वर्क में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की उन्होंने, समय देखेंगे, कोई अगर आता है कहीं कहीं पार्टी से आएगा तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है।